फाइनली हम एलिफेंटा की बोर्ड में बैठ गए और ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेरा दोस्त रूपेश है जो बड़ा सेटअप कैमरा लेके खड़ा हुआ है। मेरे दोस्त का बड़ा कैमरा सेटअप देख के जहाज के कप्तान ने कहा कि बॉस वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, तो हमने भी कहा ओके अंकल हम वीडियो नहीं निकालेंगे। मेरे दोस्त ने जो उसका निकॉन का कैमरा था वो रख दिया, लेकिन फिर भी हम लोग का अंदर का जो ब्लॉगर था वो रहा नहीं गया और हमने हमारे छोटे छोटे कैमरे से वीडियो निकाली जहाज की। तो जब तक हम एलिफेंटा पहुँचते आप ये रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखिए। वीडियो को रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एडिटिंग करते करते मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अभी जोमेटो से मोमोज बर्गर ऑर्डर किए, 31 मिनट लगेगी यहाँ पे आने में, तब तक आप ये वीडियो इन्जॉय करो एंड आई एम रियली सॉरी। तो यही समुद्री नज़ारे देख देख के 45 मिनट के बाद आखिर एलिफेंटा आइलैंड आए गए एंड इसी के साथ मेरे दोस्त को भी थोड़ी सी हिम्मत हो गई कि चलो भाई अभी तो कैमरा निकाल ही लेते शूट करने के लिए व्लॉग करने के लिए। इधर लास्ट बोर्ड 5 का ना अंकल। अरे हाँ शुक्रिया। जैसे आप बोट से उतरते हो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हो तो आपको 2-3 दुकानें नज़र आती है जहाँ पे आप फ्रूट्स बनाना आंवला वगैरह खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आपने बॉम्बे से कुछ नहीं लाया तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। कलिंगा विलिंगा खाएगा कुछ तो यहाँ पे क्या खाएगा। 10 रुपया टिकट है टॉय ट्रेन की, और टॉय ट्रेन लेने की वैसे कोई जरूरत तो नहीं है, कॉस इतना लंबा भी नहीं है, ये टॉय ट्रेन का रास्ता है। सॉरी पटरी है टॉय ट्रेन की एंड अभी आई थिंक आने में टाइम है इसका। अगर आपके साथ बच्चे तो आप टॉय ट्रेन के अंदर आ सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे नहीं है एंड आप कपल आ रहे हो तो इट्स डजंट मैटर, आप वॉक करके जाइए वो सबसे अच्छा है। वैसे भी ये लुक बहुत जल्दी चेंज होने वाला है अगर आप आ रहे हो। क्या ये लुक बहुत जल्दी चेंज होने वाला है हम लोग की ट्रिप, मेरे को लग रहा है जब तक ये वीडियो आप लोग को मिलेगा तब तक हमारी दूसरी ट्रिप चालू हो चुकी होगी। सही है, अगर आप आ रहे हो तो देखो इसकी जैसी गलती मत करना। एटलीस्ट अगर आपके पास एक कैप है, अगर आप लाइक यहाँ पे धूप बहुत होती है, अगर आपके पास कैप है तो एटलीस्ट एक कैप लेके आओ, ग्लासेस है तो ग्लासेस लेके आओ। मेरे पास ये पोलोराइट ग्लासेस थे, बहुत आरामदायक है, इतनी धूप में भी मेरे को ऐसा ज़रा भी लग नहीं रहा है कि लाइक कुछ लग रही है आँख में धूप वगैरह, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक उसको देख के समझ में आ रहा है कि कितना उसको जल रहा है, कितना फील हो रहा है, बट बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे आ गए हम एलिफेंटा, बहुत थोड़ा सुकून लग रहा है। जब से मैं बोर्ड में बैठा था कर 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 जो इंजन की आवाज़ है दिमाग की माँ बहन कर देती, यहाँ पे अभी थोड़ा सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा है, शांति। एंड जो नज़ारा है आप मेरे सामने ये देखिए, एक 360 डिग्री आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये अभी एक टॉय ट्रेन आ रही है जो मैंने आपको अभी टॉय ट्रेन आ रही है, अगर आपके साथ इसे चले जाने दीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो ही ये टॉय ट्रेन फायदेमंद है, वरना मतलब इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी और कुछ भी नहीं है।
ASI के पास में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में कोई पक्के तौर पे कोई सबूत नहीं है कि ये केव्स कितनी पुरानी है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो सकती है, लेकिन एक अनुमान के एक अनुमान है कि ये 2nd century BC बिफोर क्राइस्ट के अंदर ये केव्स है बनी हुई होगी। और यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदुज़म, जैन, जो ये दो की केव्स आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। कुत्ता कुत्ता क्या हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये बिस्किट खा रहा है और ये उसके पीछे आ रहा है। इतनी गर्मी और इतनी प्यास के साथ में मैं तो बिस्किट नहीं खा पाऊँ, पहले पानी पीऊँगा उसके बाद देखता हूँ कुछ बिस्किट विस्किट मिली तो खाता हूँ। प्लीज़ कीप एलिफेंटा क्लीन, समझा, बिस्किट का कचरा फेंक देना अच्छे। तो जो मैं आपको टॉय ट्रेन बोल रहा था वो लाइक उसका जो दूसरा एंड है वो स्टेशन आ गया है, 10 मिनट चलने के बाद ये इसका स्टेशन आ जाता है। इस पर कैसा है ना टॉय ट्रेन में कैसा है ना कि बहुत धूप है, बारिश हो रही है, ऐसा कुछ हो रही है, तो आप ये पकड़ के आ सकते हो, वरना आप नॉर्मली चल के भी आ सकते हो। अगर आपको धूप में चलना नहीं है आप ईजिली टॉय ट्रेन के अंदर बैठ जाइए, आराम से चौमे वो फटाफट पहुँचा देगी, 10 रुपये टिकट लेगी। टॉय ट्रेन में आ जाता तो तेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। आप जैसे वो टॉय ट्रेन से अंदर आओगे आपको इस टाइप की मार्केट्स आएगी जहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉटल्स जो भी लाइक स्नैकिंग वगैरह ये सब आ जाता है। लेकिन एक बार फिर से मुझे लाइक गन्ने का जूस ही पीना है। चल अंकल दो गिलास देना। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ जो नहीं होना चाहिए थी, मेरा जो हुयो का माइक है उसकी जो 3.5 mm जैक है वो ढीला हो गया था, इसलिए इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि एलिफेंटा जाने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत होती है, बड़े की टिकट 5 रुपया, छोटे की टिकट 3 रुपया। दिस इज एलिफेंटा पोर्ट रेस्टोरेंट एंड बार, स्पेशली जो टूरिस्ट यूरोप या फिरंग जो आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके हिसाब किताब का यहाँ पर आइटम मिलता है। यहाँ से चढ़ाई हमारी शुरू होती है एंड चलो चलते, मेरा माइक तो खराब हो चुका है तो आपको नज़ारे ही बता देता हूँ। और ये जो भी आप सारे स्टोन देख रहे हो जिसमें क्रिस्टल एंड पता नहीं बहुत सारे प्रीशियस स्टोन है, ये सारे के सारे स्टोन एलिफेंटा में ही मिलते हैं, या कि लोकली इसे आइलैंड से कलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे सेल आउट करते हैं। एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जो माइक का बटन है वो ऑन था, अभी आवाज़ आई होगी आपको। सो राइट नाउ हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के फाइनली पहुंच गए एलिफेंटा केव्स, इज ट्रूली दिस। एक्चुअली यहाँ पे जो मेन बोर्ड है एलिफेंटा केव्स का, अगर आप यहाँ से राइट साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको वे टू कैनन हिल आएगा, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छे लाइक बड़े कैनन है एंड वहाँ पे पूरा बहुत एक ब्यूटीफुल सीनारी दिखता है, वहाँ से बहुत अच्छा सीन होता है। और ये साइड में आपको एलिफेंटा केव नज़र आएगी, यहाँ से जाने का रास्ता है, तो अभी हम पहले एलिफेंटा केव चले जाते हैं। जैसे ही आप टिकट लेके अंदर आओगे तो फर्स्ट राइट के अंदर ये आपको सबसे पहली केव दिखेगी जो कि सब में सबसे बड़ी केव है और सबसे बेस्ट केव यही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से इसे बनाया गया है इतना पुरानी 2nd century में वो बहुत ही कमाल की चीज़ है बॉस। तो यहाँ पे हम शूट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी चोरी छुपे अंदर अपने नाइकॉन के कैमरा से आपको बताता हूँ ये केव के अंदर क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे कभी नहीं आए हो तो प्लीज़ एक बार आइए और देखिए कि दूसरी सदी के लोगों ने कितना नायाब एक केव बनाई थी। आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो वो लाइक जिस तरह से आपको एक बहुत ही अलग फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे अभी वीडियो फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़ा छुप छुप के वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो रहा है। हम लाइक जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मल पिक्चर ले रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर रिकॉर्डिंग वीडियो। पता नहीं यहाँ पे लाइक फ़ोटो ले सकते हैं तो फिर वीडियोग्राफी क्यों नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं पता है।
इट्स रियली लाइक ब्लॉगर लोग का इंडिया के अंदर ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता अगर ऐसा ही होगा तो. पब्लिक देखो तो आजू बाजू हमेशा ऐसा देखते रहते हैं कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं. वीडियोग्राफी हर जगह पे अलाउड नहीं है. चलो लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है. वॉइस ओवर कर लूँगा मैं लेकिन वीडियोग्राफी तो मुझे यहाँ पर कर दूँगा. यार इस स्टैचू को देखते देखते मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी के जो लोग होंगे जिन्होंने ये केव बनाई है अपने हाथों से ये रॉक को काट काट के वो किस तरह से जीते होंगे और वो किस तरह से काम करते होंगे. वाकई वो टाइम की लाइफस्टाइल कैसी होगी और उस टाइम ये केव्स कितनी खूबसूरत लगती होगी. आज भी ये बहुत खूबसूरत लगती है. इस आइलैंड पर एक टाइम ऐसा भी आया जब पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश सोल्जर्स इस आइलैंड पे आए और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं जो स्टैचू है उन्हें तबाह करने लगे जो कि बहुत ही गलत है. आप उन सोल्जर की स्टुपिडिटी का सबूत ये केव में हर जगह पे देख सकते हो. टूटी हुई मूर्तियों के रूप में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है. मुझे तो बहुत गुस्सा आया ये सब देख के. सॉरी गाइस अब ये कैमरा पता नहीं कितना जस्टिस कर रहा है लेकिन आप ये खूबसूरत मूर्ति को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो मुझे नहीं पता है लेकिन जब मैं एडिटिंग में ये देख रहा हूँ तो कुछ कुछ दिख रहा है. ये बहुत अच्छी है. दूसरी सदी में बनाई गई ये मूर्ति है. आपको ये खूबसूरत आर्ट आके यहाँ पे देखना चाहिए. बहुत पुराना है रे ये 1400-1500 साल पुराना है. और ये सिक्योरिटी वाले अंकल ने ये वीडियो तो भाई संभाल के ही निकालना. ये निकालने नहीं देंगे और पकड़ लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा. ये जो सामने आप फिरंग देख रहे हो ना वाइट कलर के टी शर्ट में ये यार दुनिया में पहला बंदा है जिसने मुझे ब्लॉगर कहा. बहुत अच्छा लगा. बोला आई एम ब्लॉगर. ये नाइकॉन का लो लाइट इमेज एकदम कमाल की आती है अगर तू तेरे आँख से भी देखे. तो पहली केव्स मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर ली थी. अब बारी थी दूसरी केव्स की. बट यहाँ के जो ग्रीनरी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि केव्स के अंदर शूटिंग करने तो मिल नहीं रहा है तो कम से कम आपको मैं इसके बाहर का ही व्यू बता दूँ. यहाँ पे बहुत सारे कपल्स लोग आते हैं पता है ना क्या करने के लिए. यप देखने के लिए केव्स बहुत सारे कपल्स लोग भी आते हैं. बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है. साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी देखने मिल जाती है. जब मैं यहाँ पे चल रहा था तो मुझे थोड़ी लाइक एक पहाड़ के ऊपर कुछ स्टैचू दिखा. उसे रहा नहीं गया. मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि बॉस मत जा वहाँ पे सिक्योरिटी चिल्लाएगा. मैंने बोला अभी इतनी दूर आ गए तो क्यों ना मैं वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लूँ. तो ये मैं वही चेक करने के लिए जा रहा हूँ. ये एक छोटा सा स्टैचू था. मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बट यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी एंड ये भी पुराने ज़माने का ही है. एंड जब इतना चल के आ गया हूँ तो फिर ये क्यों नहीं देखूँ. ये जो मैंने आपको मंदिर में दिखाया था जिसकी आधी मुंडी कटी हुई थी ये वो था. एंड उसके बाद मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ. तो ये है केव्स नंबर 2 एंड मेरा देख के मेरे दोस्त रूपेश को भी ऐसा थोड़ा हिम्मत आ गया कि भाई वो भी कैमरा निकाल के शूट कर ले कुछ. तो वो भी अपना कैमरा निकाल दिया लेकिन पता नहीं वो कितना शूट किया है. तो ये तो आपको उसके व्लॉग के अंदर ही जाके देखना होगा. जब तक जितना मैंने शूट किया आप वो देख लीजिए. ये 1800 साल बाद एक ऐसा डिवाइस बनेगा और 1800 साल बाद एक ऐसा डिवाइस बनेगा जो एक फिल्म रिकॉर्ड कर पाएगा जो भी हम बोल रहे कह रहे हैं वो सब करने के लिए. केक बनाने वाले में तो जो भी केक बना रहे होंगे या फिर उसने तो कभी नहीं सोचा होगा ये सारी चीज़ें लाइक दुनिया कितनी आगे निकल जाएगी. यहाँ पे बैठ के लोग तपस्या करते होंगे सच में. ये आज ज़्यादा ज़रूरत है पहले से कहीं ज़्यादा. अगर मुझे बोलो ना मैं एक महीने तक यहाँ पे बैठ के तपस्या कर सकता हूँ सुकून के लिए. ये इतना छोटा सी गड्ढा मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन ये शायद यहाँ पर सोते होंगे लोग. मुझे भी सोने में यहाँ पे कुछ भी नहीं है आराम से सो जाऊँ बस थोड़ा सी साफ सफाई चाहिए. एंड ये
किसने बनाया होगा यार ये, और जिसने भी बनाया होगा, शिट मैन 1800 साल बाद यहाँ पे कोई आके अपने YouTube की ब्लॉगिंग कर रहा है, सोचा भी होगा कभी इसने? मैंने भी कभी ये सोचा नहीं होगा। चलो चलते हैं। और ये है केव्स नंबर 3। दूसरी वाली जो केव्स थी वो बहुत छोटी थी, वो जल्दी से कवर हो गई। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। अच्छा होगा, कॉज गाइड बहुत अच्छे से समझाएगा, एंड प्लस यहाँ के जो सिक्योरिटी होते वो भी गाइड का काम करते, तो आप सिक्योरिटी को भी बोल सकते हो। क्या हुआ, आ यहाँ पे रुपेश, दरवाजा हो गई है, कॉज सिक्योरिटी ने एक बार मना बोल दिया इसे वीडियो रिकॉर्ड करने से, तो उसके मूड वैसे ही खराब हो गया। केव तो बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त इन द सेंस लाइक जितनी पुरानी है केव और जिस तरह से बनाया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गई है, कुछ नेचर्स के कारण हुई होगी, कुछ ह्यूमन एरर्स के कारण। आई डोंट नो ये क्या है, बट एक टाइम पे बहुत सही लगता होगा ये, बहुत सही, अभी भी बहुत लाइक बहुत अट्रैक्टिंग लगता है। अभी भी इसका जो इतिहास है ये पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये लाइक सेकेंड सेंचुरी बीसी में बनी होगी, लेकिन फिर भी हम पक्का नहीं कह सकते, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये कितनी पुरानी है, किसने इसे बनाया है। और लाइक ये बात मुझे बहुत अमेज कर देती है कि इसका इतिहास ही हमें पता नहीं है। एक टाइम तक तो हम बता सकते हैं कि दूसरी सेंचुरी में ये केव्स बनी है, लेकिन फिर भी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। अभी हम ये केव को छोड़ के एक इसके ये केव का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट ये केव को छोड़ के हम दूसरी केव के अंदर जा रहे हैं। एंड अभी ये दूसरी केव में मैं आ रहा हूँ, एंड अच्छा लग रहा है ये भी केव। पता नहीं इसे किस नज़र से देखते हो, लेकिन जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ ये केव्स को, लाइक एक इतिहास का, लाइक एक इतिहास का टुकड़ा लग रहा है मुझे कि कितने अच्छे से रखा हुआ है। आप खुद सोचिए, अपने जहन में जाइए 1800 साल पीछे, एंड देखिए कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। 1800 इतना भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 100 साल पीछे चले जाओगे आपको पता चल जाएगा, तो और उसको 18 गुना ज़्यादा कर दो, तो ये वो चीज़ है, जब 18 गुना उसको ज़्यादा कर दोगे तो ये सामने आएगा आपके। अब इस नज़र से देखो ये केव्स को, तब पता चलेगा आपको। ये चीज़ नहीं करना है, और ये चीज़ भी नहीं करना है, ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, तो अपना नाम लिख के ये इतनी अच्छी चीज़ों को ख़राब मत कर। एक कलाकारी देखिए इसकी, 1800 साल पहले भी कितनी अच्छे से होती थी है। मैं अभी भी नहीं कर रहा, एंड ये केप्स का भी हो गया, अभी ये केप्स से भी मैं हम निकल रहे यहाँ से, और थोड़े टाइम के बाद कोई दूसरी केप के अंदर जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी बहुत केव्स घूम लिए। अबे थोड़ा बैठते हैं अभी, हाँ है ना, नीचे भी है, थोड़ा बैठते हैं। अभी ये नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे भी ये देखिए, यहाँ से नीचे भी ये केव्स है। इस आइलैंड पे ना अलग अलग संस्कृति के निशान आपको मिलते हैं, कुछ केव हिंदुइज्म की है, कुछ केव जैनिज्म की है, कुछ बुद्धिस्ट की है, तो तीनों कल्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो बुद्धिस्ट की है वो तो हमें पता है कि कितनी पुरानी है, कुछ समथिंग 1000 साल पुरानी है, जैनिज्म की भी पता है,
क्या बोलो वहाँ पे केप थी, लेकिन आई थिंक वहाँ पे अभी नो एंट्री का बोर्ड लगा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखो नो एंट्री का बोर्ड है, मैं वीडियो के अंदर जूम करके एक बार बताने की कोशिश करूँगा, आगे जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर ताले दे दिया तो ज़्यादा अच्छा। तो ये जो है ये सबसे पुरानी केव है इसकी, और इसकी जो हालत है आप देख ही रहे हो कि नेचर ने बहुत गंदी हालत इसकी कर दी है, ये कभी भी ढह सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पब्लिक को जाना मना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, केव्स तो बहुत पुरानी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लाइक कुछ आर्किटेक्ट वगैरह नहीं किया गया, बस इसे तोड़ा गया है, पिलर्स लगाए गए, दैट्स इट। अंदर जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीज़न जा नहीं सकते हम। सो अभी तीनों केव देख के हो गए, और अभी हम जा रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, नहीं 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 जो ऊपर आसमान में है वो, तो अभी हम जा रहे हैं कैनन हिल, कैनन हिल भी एक छोटी सी चढ़ाई है, वहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, तो या उसका नाम कैनन हिल है, वहाँ पे कैनन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, तोप गोले जो होते हैं वो, तो वहाँ पे तोप गोले दुश्मन ब्रिटिश, ये अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो ब्रिटिश शहर की जगह है, वहाँ से वो लोग निगरानी रखते थे। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ से जहाँ से गेट ऑफ इंडिया से फेरी आती है वो यहाँ पे आके रुकती है, एंड फिर वहाँ से पूरा चल के आना होता है आपको, फिर यहाँ तक ऊपर तक आना होता है, एंड फिर आप यहाँ पहुँचते या, और इसके आगे जो है वो वीडियो, इसके आगे जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है फॉर सम अननोन रीज़न, एंड अभी यहाँ पे मेरी जो DP है उसकी फोटो होगी। मानसून स्पेशल, ये सारे प्राइजेस हैं और इस होटल के बाहर लिखा हुआ, यही होटल रहेगा, चल चल चल, यही होटल का लगा, देख यहाँ पे भी ये वही बोर्ड लगा है, वेज थाली है, ओके अवेलेबल है, कोई अच्छी जगह है बैठने के लिए, दोनों का सेम प्राइस है, 140 वेज प्राइस, 140 लिखा था, रिकॉर्ड नहीं मेरे पास, हाँ चल तो अच्छी जगह बैठने के लिए, कि यही है, यही है। सुन पानी की बॉटल लूँ के ये लूँ थम्सअप, ये दोनों लूँ, पानी की बॉटल कितने की है, थम्सअप है 50 रुपये का ये वाला, और ये 30 रुपये का, क्या करने का है, ये 30 रुपये का, ये 50 रुपये का, क्या करेगा जल्दी बता, क्या 30 का है, भाई 30 का है, और वो 50 का, 50 का है, ले लो दोनों, चल देखता हूँ। इतनी चढ़ाई करने के बाद यहाँ पे होटल में आराम से बैठना है, सुपर कूल। सो दिस इज MTDC रेस्टोरेंट, महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो, एंड प्लस यहाँ पे होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, एंड बिलीव मी अगर आप एलिफेंटा केव्स आ रहे हो तो जो सबसे बेस्ट अगर आप कहाँ पे कुछ भी खा सकते हो तो वो यही रेस्टोरेंट है। और जैसे ही आप कैनन हिल के लिए आते हो, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, जैसे ही आप कैनन हिल के लिए आते हो वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, तो अगर आपको कुछ भी खाना है तो यहाँ पे आके खाओगे तो बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही अच्छा मिलेगा, एंड यहाँ से जो नज़ारे भी दिखते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप ये नज़ारे के साथ आराम से यहाँ पे खा सकते हो, और मेरी मानो तो आप एक दिन का स्टे ले लो यहाँ पे, इट्स सुपर। तो जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे नाइट स्टे रुकोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी जब मैंने वापस से जाके बताया, मतलब बात की है, तो यहाँ पे नाइट स्टे का अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप रुक सकते हैं, वो उतने टाइम का 1680 रुपया ये रूम का भाव है, जो मेरे हिसाब से इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आपको फिर भी रुकना है तो आप डेफिनेटली रुक सकते हो, बिकॉज जो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा ये होटल का, यहाँ के स्टाफ जो है, खाना वगैरह, इट्स वेरी गुड, एंड
बाकी का मैं बाद में बताता हूँ आपको। और ये आ गया हमारी थाली, वेज थाली यहाँ पे, चिकन और ये वेज थाली, चावल, दही, रोटी, सब्जी, चना मसाला, दाल। आठ पीस रहेंगे अबे, आठ एग नहीं रहेंगे, एक एग के आठ पीस रहेंगे, एक एग के आठ पीस नहीं रहेंगे, एक एग के आठ, दो एग के आठ कैसे बनते हैं अबे, एक एग के चार पीस कर देंगे तो दो एग के आठ पीस। अच्छा, नहीं खाली गिलास दे दो इसके थम्सअप के लिए। चल रही थी मेरी कि किस तरह से लाइक यूट्यूब को कंटिन्यू किया जाए, दो क्रिएटर के बीच में जब बातें होती तो इसी तरह से होती कि क्या कंटेंट नया लाया जाए, किस तरह से ये यूट्यूब के ऊपर लाइक किस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ाई जाए, सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए, तो यही सब बातें हो रही थी अभी। मैं बातों बातों के अंदर बिल आ गया। रूपेश बिल भरेगा? बिल भरूँ मैं, देख कितना है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। आई एम गोइंग, मैंने खाना खा लिया है, वेज थाली कोई इतनी खास नहीं थी, चिकन थाली भी इट्स ओके ओके थी। लेकिन एक्चुअली अभी मैं और रुपेश मिल के प्लान कर रहे थे ऊटी का, ऊटी का तो प्लान हम लोग का हो चुका है, एंड ऊटी के बाद का प्लान कर रहे थे हम कि ऊटी के बाद क्या करेंगे, एंड ऊटी के बाद जो अभी एक हल्का डिस्कशन हुआ है मामलेश्वर का हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट अ फिक्स। देखा ही नहीं था मैंने इसमें, पर जो मैं बोल रहा था 1680 रुपये का जो रूम है वो ये वाला थक चुके। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते नहीं हैं तो ये चढ़ाई आपके लिए बहुत थकान वाली होगी, और अगर करते हो तो भी वेरी क्लोज टू द नेचर, अच्छा लग रहा है। लाइक नॉर्मली जब आप ट्रैकिंग करते हो कोई भी पहाड़ की, इज़ बेटर टू कम एलिफेंटा और कैनन हिल तक ट्रैकिंग करो। छोटी सी है, प्यारी सी, अच्छी सी है, एंड एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखिए कचरा, ये जो गंदगी है हमारी फैलाई हुई है, हमने जब तक अभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मेरी तरफ से तो कोई गंदगी फैली नहीं है, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन कुछ जाहिल लोग होते हैं जो बॉटल यहाँ पे इस तरह से फेंक के चले जाते हैं, जो चिप्स के पैक होते हैं, आप छोटे 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 सी प्लास्टिक की बॉटल्स एंड बैग्स देख रहे हैं, वो बहुत जाहिल लोग होते हैं और अनपढ़ गवार होते हैं जो नेचर को गंदा करते हैं। प्लीज़ अगर आप देख रहे हो और कोई भी फॉरेस्ट के अंदर हो या कोई भी ऐसी जगह पे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड नेचर के अकॉर्डिंगली, तो उसे साफ़ करने की कोशिश करो। अगर साफ नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट गंदा भी ना करो। ये स्पीड बोर्ड है, इसमें बैठ के जाना है बम्बई। और थक गए तो फिर रेस्ट लेने के लिए रुके, नज़ारा यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो करोड़ रुपए का सेटअप नीचे पड़ा हुआ है ये, और ये स्टार बनेगा है, कैमरे को मुंह के बल गिरा के रखा है इसने। एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप कैनन हिल चढ़ते हो तो थोड़ा रेस्ट ले के चढ़ो, क्योंकि क्या होगा जब आप एक साथ में चढ़ पाओगे तो आजू बाजू के जो नज़ारे हैं उसका मज़ा नहीं ले पाओगे, बस सांस फूलते रहेगी, थकान होती रहेगी, और कैसे भी करके चढ़े ये होता है। रेस्ट ले के चढ़ोगे तो कैसे है, जब आप रेस्ट लेने के लिए रुकोगे तो आजू बाजू के खूबसूरत नज़ारे देखोगे, और उसके बाद जब चलोगे तभी भी आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी और तभी भी आप नज़ारे आराम से देख सकते हो। तो मेरी मानो तो आराम से थोड़ा सी रेस्ट ले के ही चलो। अभी यहाँ से और चढ़ान है,
अभी भी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ से भी जो ये चाय का स्टॉल आएगा इसके बाद से भी और चढ़ाने, बट ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी सी होगी और इसके बाद हम डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। संभाल संभाल। इतना चढ़ने के बाद जो आपको कुछ नज़ारे मिलते हैं जिसके लिए जो भी मेहनत होती है वो पूरी वसूल हो जाती है, तो उनमें से कुछ नज़ारे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बोट यहाँ पे आके रुकती है, यहाँ से आपको चलते हुए आना होता है पूरा पहाड़ चढ़ के, वो साइड में केव्स है, फिर वो केव से फिर इस साइड में ऊपर कैनन है, बाकी इट्स वर्थ। अब आओ एक दिन पूरा इंजॉय करोगे आप कुछ नई चीज़ों के साथ। तो इतना चढ़ने के बाद फाइनली कैनन आ गया है। मैं आपको बता था वो कैनन इतना बड़ा है ना। ये देखिए इट्स ह्यूज, ये इतना बड़ा है। हमें खुद में चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हुई है, हमको खुद चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हुई है, ये इतने भारी को कैसे लेके आए होंगे अंग्रेज लोग ने। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट कैनन एंड यहाँ पे दो कैनन है, ये कैनन वन है, दिस इज़ द फर्स्ट कैनन, ये कैनन वन है, कैनन वन एंड कैनन टू जो है वो यहाँ से और ऊपर जाना होगा उसके लिए, तो इसकी कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं। अभी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं यहाँ पे, कॉज हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा के सारा एलिफेंटा कवर कर चुके हैं। अगर यह एलिफेंटा केव्स के अंदर वीडियो निकालने की परमिशन होती तो ज़्यादा खुल के मैं वीडियो निकाल पाता था, और ये मेरे वीडियो का दूसरा पार्ट है क्योंकि ये इतना लंबा वीडियो हो गया था कि मैं एक पार्ट के अंदर शूट ही नहीं कर सकता था, कॉज वीडियो फिर 20-25 मिनट का हो जाता था। बट अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, एंड इसके अंदर और भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा आने वाले अपने वीडियो के अंदर। जब तक आप ये नज़ारा देख लो, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। ये एलिफेंटा का छोटा सी गांव है जहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं, और ये जो सारी है ये सारी ऑयल कंपनीज है और ऑयल्स के टैंकर्स हैं।